रही कोई आस नहीं खाली। आज ही उम्र से वापस आए हैं। तुम लोगों के घर गया तो पता चला नासिर ने तुम लोगों को घर से बाहर निकाल दिया, तुम लोगों के घर पे कब्जा कर लिया। इतना बड़ा धोखा तुम लोगों के साथ। बताओ जी, रहमान भाई कितना ख्याल रखते थे इस शख्स का, छोटा भाई समझते थे, तुम लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया। ईशान, क्यों किया उसने इस तरह से तुम लोगों के साथ, क्यों किया? पैसा, मेरे बचपन से लेके अपने आखिरी दिन तक बाबा सिर्फ मुझे एक ही बात सिखाते रहे कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन मामू, इस 100 साल लंबी एक रात ने मुझे एक बात सिखा दी है कि जमाने का कोई एहसास, कोई एहसान, कोई ताल्लुक पैसे से बड़ा नहीं है। पैसा सबसे बड़ा है मामू। सही कह रहे हो, सही कह रहे। खैर, तुम लोग चलो मेरे साथ मेरे घर। मेरी बहन मेरे होते हुए इस तरह से इस हालत में, मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाऊंगा। मैं डॉक्टर से मशवरा कर लेता हूँ, तुम लोग चलो मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा आतिम। अस्सलाम वालेकुम। रिदा की दोस्त रुशना। अच्छा। इसका भाई तौकीर और उसकी वालिदा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। आए, प्लीज बैठे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं खाला जान? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? पढ़ाई खत्म करके आ गए हो? जी खाला। प्यारी लग रही है माशाल्लाह। हाँ, लाखों में एक है मेरी बच्ची, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। अरे ये भी तुम्हारा ही। आइए ना। अस्सलाम वालेकुम। आज से आप लोग इस घर में रहेंगे। आप तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हबीब, ऐसे वक्त में साथ दे। क्या हो गया आप? अपनों का शुक्रिया थोड़ी ना अदा करते। आप लोगों ने इतने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, तो मैं ऐसे वक्त में आप लोगों को कैसे छोड़ सकता हूँ? आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके और रहमान भाई की वजह से हूँ। मुझे तो इस बात का एहसास हो रहा है आपा कि इतने दिन भी आप लोग इतने बुरे हालात में क्यों रहे और मैं क्यों नहीं कुछ कर सका आप लोगों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामू। नहीं बेटा, अपनों का शुक्रिया अदा नहीं करते बल्कि गले लगकर अपनाइयत के एहसास को और शिद्दत से महसूस करते। आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आप ही ने तो कहा था कि आज सबसे अच्छी लगना, तो बस। तो इसका मतलब है मैं जो कहूंगा वो मानूंगी। ज़ाहिर है फहम, तो सारी जिंदगी आप ही की बात माननी है। हाँ, ये भी। तो मैं ये कह रहा था कि तो मैं ये कह रहा था क्या कह रहे थे? क्या बातें हो रही? अरे यार कुछ भी नहीं बोल क्यों यार? मैं रिदा को ढूंढ रही थी। अच्छा, रिदा को।
अस्सलाम वालेकुम। अरे रिदा कैसी हैं आप? मैं ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। कितनी प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। मैं कहाँ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। ये फूल बक्से थोड़े तुमने इधर पीछे से फार्म भाई। आज तो छोड़ दो, सब कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे भाई सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं। रिदा खाला से मिली हो? हाँ मैं अभी जाके मिल लेती हूँ। मैं ठीक हूँ। कहाँ हो तुम बेटा? आप ठीक हैं? कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा हुआ आज आप सब लोग आ गए, बहुत मजा आ रहा है। कितने दिनों से तुम घर भी नहीं आई, खाला को तो भूल ही गई। ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम्स में इतना बिजी थी कि आना ही नहीं हुआ। भाभी आप क्यों नहीं आए? अरे भाई क्या करूँ, इनको छुट्टी नहीं मिलती, बिजी होती हूँ क्या करूँ। हाँ फिर भी आना चाहिए ना तुम्हें। सॉरी खाला, अब आया करूँगी। और आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। सही कह रहे हो तुम, शायद इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए जो इंसान सारी जिंदगी नहीं सीख पाता। सब नाम लिहा दोस्त, रिश्तेदार, अपनों के रूप में छुपे हुए गैर, इस पूरे वक्त ने सबके चेहरे से पर्दा हटा दिया है। मामू मामू सब बदल गए, दोस्त रिश्तेदार सबके सब बदल गए। मामू रिश्तेदारों के घर दस्तक दी तो उन्होंने हमारे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। जिन लोगों के लिए बाबा ने सारी जिंदगी इतना किया, संभाला, ख्याल किया, मामू किसी ने फोन नहीं उठाया, किसी ने पूछा नहीं कि किस हाल में हो, जिंदा हो, मर गए हो, कहाँ हो। हौसला कर बेटा, हौसला करो, सब चीज मिला दो और नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करो, भूल जाओ सब कुछ। अच्छा अब आप लोग परेशानी की बातें करना बंद करें। देखो जीशान, जो हो गया सो हो गया, मुझे पता है कि तुम सब कुछ हिम्मत से बर्दाश्त कर रहे हो, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा। पापा एक बात कहूँ, आप मुझसे वादा करें कि मना नहीं करेंगे? ये चेक है, रख लें आप। नहीं नहीं मम्मी प्लीज ये मत कीजिए, आप लोगों ने पहले ही हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, अब ये करके मजीद शर्मिंदा मत कीजिए। वैसे भी मामू ने मेरी जॉब की बात कर ली है ना, दो लोग हैं हम लोग गुजारा कर लेंगे, प्लीज ये प्लीज नहीं। अच्छा ठीक है, ये पैसे तुम उधार समझ के रख लो, जब तुम्हें तनख्वाह मिलना शुरू हो जाए तो मुझे थोड़े थोड़े करके वापस कर देना, और अगर तुम मुझे वापस नहीं करोगे ना तो मैं तुमसे लड़ाई करूंगी, समझे तुम? ये लो, ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा। हेलो बाद में फोन करती हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मेरा दुपट्टा। बहुत अच्छी लग रही हैं आज आप। थैंक यू। मैं जरा मेहमानों को देख लूँ। ठीक हो गया? जी मैं आता हूँ लेने। माँ जी वो बाबा का जो पियानो था जो उन्होंने ठीक करवाने के लिए दिया था वो ठीक हो गया है। मैं लेके आता हूँ, चलता हूँ मैं भी साथ। पास करें, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा।
रिदा तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, हमेशा की तरह महफिल में सबसे अलग। थैंक यू, हमारी रिदा है ही इतनी प्यारी। थैंक यू भाभी। मैं पूछने आया था आप लोग कुछ खाएंगे, लेकिन आपकी प्लेट तो भरी हुई है, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं भाई, आप प्लीज आप पूछे इनसे, इनका ख्याल रखे, मैं आती हूँ। हाँ थैंक यू। आप कांटे से खा रही हैं, हाथ से खा रही हैं, उसका मजा ही अलग होता। मैं दिखाता हूँ आपको, ये थोड़ा और ये। आए क्या हुआ, पियानो ठीक नहीं हुआ? यार प्लीज जितनी जल्दी हो सके ठीक कर दो प्लीज। क्या हुआ, क्यों टेंशन में है? अरे नहीं बिल्कुल भी नहीं, कोई टेंशन नहीं है। जानता हूँ मैं, आपके दोस्त की तबीयत ठीक नहीं, बीमार है ना वो। हाँ पियानो खराब हो गया। पता है बाबा, मैंने बचपन से लेके आज तक आपका हर गम, हर खुशी, हर गुस्सा, हर जज्बे का अंदाजा पियानो से निकलते हुए म्यूजिक से लगाया। बचपन से बहुत दोस्ती है मेरी उस पियानो के साथ, उसके सुरों की लय कानों से गुजर कर रूह में उतर जाती है बेटा। उस वक्त से एक बात सोच रहा हूँ मैं माँ जी, अगर ये पियानो भी उस घर में होता और ये पियानो उठाने की इजाजत भी ना मिलती हमें, तो आज बाबा की बहुत याद आ रही है मुझे। अच्छा बस आज के बाद हम दोनों में से कोई नहीं रोएगा, मुझसे वादा करो। रोने से जाने वाले वापस नहीं आते, और हमें जीना है, तुम्हें मेरे लिए और मुझे तुम्हारे लिए। वादा करो हम दोनों एक दूसरे के लिए खुश खुश रहेंगे। अब मैं तुम्हें उदास ना देखूं, बिल्कुल नहीं। अरे वाह, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्र है, फहाम को तुम्हें अच्छी लगी, बहुत चाहते हैं फहाम मुझे। लेकिन रिता, वो रुशना के भाई के साथ क्या कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। कैसे तुमसे इतनी मोहब्बत होने लगी है? यूं जैसे मेरे दिल में इस वक्त सिर्फ तुम ही तुम हो। तुम्हें कैसे अपने दिल की बात बताऊं कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करने लगी। ज़ायदा अपा नाश्ता ले आइए। जी ले आई बेटा, ये आपका जूस। थैंक यू। तो ये आपका। क्या बाकी सब निकल लिया नाश्ता? आज इतवार है ना, तो रिदा बेटी और आसिम बेटा तो 1-2 बजे उठेंगे जब नाश्ता करेंगे। खतीजा बाजी ने जल्दी नाश्ता कर लिया, फाम बेटा जब कहेंगे उन्हें नाश्ता बना दूंगी। क्या मतलब सब अपने अपने टाइम पे नाश्ता करेंगे? तो गलत है। एक काम करें, आप रिदा को बुला कर लाइए, मैं आसिम को बुला। जी आसिम, हिकमत खान। गुजरा हुआ वक्त आज भी मेरी उंगली थामे मेरे साथ साथ चलता है। वो वक्त नहीं रहा शान, सब चला गया है, कुछ भी तो नहीं।
अरे माँ जी, मैं आई एम रियली सॉरी, आपको आराम देने की बजाय तकलीफ दे रहा हूँ मैं। कैसी तकलीफ? अपनी औलाद के लिए काम करना कोई तकलीफ है? और क्या बेटे को तकलीफ में तन्हा छोड़ देती है माँ? फिर मेरा इस दुनिया में कौन है जिसके पास मैं जाऊँ? सिर्फ तुम ही तो हो। इस दुनिया में माँ से बढ़कर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता जो औलाद के बिन कहे सब सुन लेती है, सब समझ जाती है। और औलाद भी माँ की आंखों और दिल की ठंडक होती है। जिसके पास आप जैसी माँ हो, आप जैसी माँ की दुआएं हो, वो दुनिया में कभी नाकामी नहीं देख सकता माँ जी। इंशाल्लाह तुम कामयाब होगे। आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, एतमाद से जाना, ना तुम्हारे कदम लड़खड़ाए ना जबान। लेकिन माँ जी। अच्छा अच्छा, चलो नाश्ता करो, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं। चल बैठो। आपने कर लिया? हाँ मैंने कर लिया। बैठो बैठो। चलो आसिम। आसिम भाई क्या है यार, नाश्ते के टेबल पे सुबह सुबह कौन करता है नाश्ता छुट्टी वाली? चुपचाप नाश्ता करो। रिदा जी। भाई गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग, क्यों बुलाया? नाश्ते के लिए और क्या? अच्छा तुम्हें जूस और तुम चाय पियोगे? आसिम चाय। जायदा आपा आ जाइए, नाश्ता ले आइए इन लोगों के लिए। जाग गया। हेलो यार, तुम दोनों इस वक्त यहां क्या कर रहे हो? मैं आपको कॉल करता हूं। यार तुम दोनों इतनी सुबह सुबह यहां क्या कर रहे हो? क्या मतलब सुबह सुबह? हाँ लेकिन इनको आदत नहीं है भाई सुबह सुबह नाश्ता करने की। लेकिन ये क्या तरीका है? नाश्ता खाना सब एक टाइम पर होता है और हर काम का एक टाइम है। रिदा उठो, आसिम उठो, चलो नाश्ता आ रहा है समझे? भाई बहुत नींद आ रही है ना। नींद आ रही है मेरे बच्चे को ना, नींद आ रही है। चलो उठो जाओ, अपने रूम में चली जाओगी ना, जाओ जाके सो जाओ आराम से। आसिम तुम भी जाओ, जाओ। कहाँ जा रहे हैं ये लोग? क्या तरीका है, अभी नाश्ते का वक्त है क्यों जा रहे हैं? आसिम बैठो। रिदा यार जाने दो, जाओ 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 जाओ, जल्दी भाग जाओ भाग जाओ। शाबाश, वेरी गुड। ओ भाई बच्चे हैं वो, उनको उनकी स्पेस लेने दो। क्या हो गया तुम्हें? कौन से बच्चे हैं भाई, क्या हो गया? वक्त की अगर अभी समझ नहीं होगी तो फिर आगे तो बेकार ही होगा ना। ऐसी कोई बात नहीं है, आज संडे है, वैसे भी संडे को अगर थोड़ा लेट भी उठ जाएंगे बेचारे तो क्या हो जाएगा। और सुनो, तुम अमेरिका से अभी अभी आ रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये सारा सिस्टम हमारा अजीब सा लग रहा है। तुम्हें हमारे सांचे में ढलना पड़ेगा मियाँ। और तुम कौन सा जल्दी उठ जाते थे यार, संडे को तो लेट ही उठते थे। नाश्ता करो ना। ज़ायदा आपा भाई पराठा ला दे। बस तनख्वाह और पेंशन के पैसे मिलाकर इतने से पैसे बचे? अम्मी आपको पता है पिछले दिनों नायला की तबीयत खराब थी तो मेरा बहुत खर्चा हो गया मेडिसिन और टेस्ट पे। इन पैसों में मैं पूरा महीना कैसे चलाऊंगी? अम्मी अब जो है मैंने दे दिया, अब और कहाँ से लाऊं? वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इतने अखराजात? अखराजात बढ़ाने से बढ़ते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब आप शमीला को क्यों नहीं मना करती, इतनी फजूल खर्चियां करती है। इसे तो पैसे मैं देती हूँ, तुमसे तो इसने कभी नहीं मांगे। और आप कहाँ से देती हैं? तुम्हारे अब्बा की पेंशन में से। अगर वो ही पैसे बचा ले तो घर में काम आ सकते। कल को उसकी शादी होनी है, सारा दिन घर पे पड़ी रहती है, तो जॉब कर ले। आपको मेरी फजूल खर्ची नजर आती है पर नायला भाभी की नहीं, वो भी तो आए दिन इतने जोड़े बनवाती है ना। मैं अम्मी से बात कर रहा हूँ और मेरी बीवी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। खामोश हो जाओ सलमान, तुम खामोश रहती ना कम से कम। मैं बात कर रही थी ना उससे। मैंने कहा क्या है भाई को, उनकी बहन हूँ, वो इस तरह से मुझसे क्यों बात करते हैं? देखो बेटा, औरत की बादशाही उसके शौहर के दम तक रहती है, और अगर वो ना रहे ना तो औरत की हैसियत एक मुलाजिम की तरह होती है जो सिर्फ सर झुकाकर हुक्म मानता है।
लेकिन मैं क्यों उनकी बातें सुनूं? मेरी जान, खामोश रहने में ही आफियत है। अब तुम अपने घर की हो जाओगी, मैंने तो जैसे तैसे जिंदगी गुजार ली। तुम अपने घर में खुश रहना, आबाद रहना, मेरे लिए यही काफी है। अल्लाह का बड़ा बड़ा शुक्र है तुम्हें नौकरी मिल गई। मैं तो सारा दिन दुआएं मांगती रही, और मैं आज सारा दिन एक ही बात सोचता रहा। माँ जी, कहाँ करोड़ों का कारोबार था हमारा, और आज चंद हजारों की तनख्वाह। अजीब लग रहा है मुझे बहुत। वक्त वक्त की बात है, तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह पर भरोसा रखो। वो चाहे तो लाख को राख और राख को लाख कर सकता है। ना शुक्री की बातें होती हैं ये बेटा। क्या तो ठीक रही आप जी। बस बेटा, कनात करना सीखो, परेशान होना छोड़ दो। वक्त जैसा भी हो ना, सब्र और हौसले से गुजारना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। आप भी कमाल है माँ जी, आसमान से जमीन पे आ गई, फिर भी आज भी। मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसे ही हो। इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। सुबह आप घर से निकलते हैं, रात को घर घुसते हैं, फिर दोस्तों के पास, फिर टीवी देखना होता है, और फिर अम्मी के पास। मेरे लिए वक्त कहाँ है? ये तो बहुत सारी बातें होंगी। पहली बात, ऑफिस की टाइमिंग मैं कम नहीं कर सकता। दूसरी बात, दोस्तों के पास मैं कभी कभी जाता हूँ, अच्छे बुरे वक्त में यही दोस्त काम आते हैं, इसलिए बना कर रखनी पड़ती है। तीसरी बात, टीवी पर मैं सिर्फ खबरें देखता हूँ, क्योंकि वो तो देखना बहुत ज़रूरी है। और रह गई तुम्हारी आखिरी बात, अम्मी। तो यार माँ है मेरी, थोड़ी देर तो बैठ सकता हूँ। ये भी सही है। भाई फिर मेरा क्या, मैं जो सारा दिन काम करूँ, आपका इंतज़ार करूँ, और सोने पर सुहागा ये कि आपकी प्यारी सी बहन की कड़वी कसीली प्यारी प्यारी बातें सुनती हूँ। मैं अपने दिल की बात किससे करूँ? मैं हूं ना, तो तुम मुझसे कहो। बस रहने दे, यहां आपसे बात शुरू करूंगी, वहां आपके खराटे शुरू हो जाएंगे। प्रॉमिस, आज तो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगा। पक्का? वादा। तो फिर वादा करें कि कल आप मुझे शॉपिंग पे लेके जाएंगे और जल्दी आएंगे, करें? शॉपिंग के तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब शॉपिंग हो नहीं सकती, रह गई चाय, तो जल्दी से ले आओ ताकि हम बैठकर खूब सारी बातें। क्या मतलब पैसे खत्म हो गए और क्यों नहीं हो सकती शॉपिंग? मेरी बारी पैसे खत्म हो गए? चाय वाय मैं कोई नहीं बना रही, मेरी बात सुने अभी आप। भाई वो कुछ डिस्कस करना था आपसे। हाँ हाँ करो। मैं जॉब करना चाहता हूँ। जॉब करना चाहते हो? लेकिन क्यों? हमारी फैक्ट्री है, बिजनेस है, और पापा की डेथ के बाद मैंने अकेले सब कुछ संभाला है। मैं तो सोच रहा था कि तुम आओगे तो मेरे साथ ज्वाइन कर लोगे। वो ठीक है, मैं ज्वाइन करूँगा, लेकिन मैं चाह रहा था उससे पहले मैं एक्सपीरियंस हासिल करूँ ताकि आपको हेल्प कर सकूँ। आइडिया तो बहुत अच्छा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं तुम्हारी जॉब के सिलसिले में किसी से बात कर लेता हूँ। अब नहीं भाई, आपने मुझे बाहर पढ़ने भेजा था ना, मैं अपने ओन पे सब कुछ करना चाहता हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे। ये तो और अच्छी बात है, ठीक है, I'm proud of you। तुम करो जॉब, लेकिन जब जॉब से थक जाओगे, मतलब तुम्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लेना। क्यों नहीं भाई, आपकी हेल्प करूंगा मैं। अच्छा बुरा तो नहीं लगा? अरे यार क्या आप बातें कर रहे हो। थैंक यू, बाय बाय। ओफो, ये ड्राइवर ने अभी फ्यूल डलवाने जाना था, वैसे ही मुझे इतनी देर हो रही है। माँ इतनी भी क्या जल्दी है बेटा, आ जाता है, चली जाना। अरे कॉलेज में कल फेयरवेल फंक्शन है, मुझे रुशना से बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कस करना है। फार्म भाई आप मुझे छोड़ देंगे रुशना के घर?
बहुत इंपॉर्टेंट है, वो फोन ही नहीं उठा रही। हाँ तो ड्राइवर कहाँ है? अरे फ्यूल डलवाने के लिए गया, मुझे वैसे ही बहुत देर हो रही है। अच्छा, और फोन भी नहीं उठा रही। अच्छा अच्छा, रिलैक्स रिलैक्स, चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। थैंक यू भाई, ओके मैं अल्लाह हाफिज़। उठ गई तुम? हो गई तुम्हारी सुबह? 12 बजे तुम सोकर उठती हो और फिर टीवी के सामने बैठ जाती हो। तो आपको इतराज किस बात पे है मेरे 12 बजे सोकर उठने से या टीवी के आगे बैठने से? घर में 100 काम काज है। जानती हूँ, लेकिन मुझे आपकी लाडली बहू है ना, उन्हें मेरे हाथ का कोई भी किया हुआ काम पसंद नहीं आता। ठीक है, करे खुद ही फिर। देखो शमीला, इस तरह गुजारा नहीं हो सकता। तो मैंने कौन सा सारी उम्र इनके साथ रहना है? ससुराल में जाके क्या करोगी? मेरी खाला का घर है वो। अच्छा, तो इस एहसान का बदला तुम इस तरह चुकाओगी? एहसान? कैसा एहसान अम्मा जान? खाला के घर जाके कौन सा एहसान? हम में और उनमें बहुत फर्क है। अगर तुम्हारी खाला चाहती ना तो किसी भी अमीर घराने की लड़की से अपने बेटे का रिश्ता कर देती, लेकिन उन्होंने फिर भी तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ये एहसान नहीं है हम पे? कोई एहसान नहीं है अम्मा। क्या उन्होंने अपने बेटे की शादी नहीं थी करनी? भांजी हूँ मैं उनकी, पहला हक बनता है मेरा। और वैसे भी वहाँ मुझे बहुत पसंद करते हैं। अम्मी, अच्छा छोड़ें ये सारी बातें, मुझे 1000 रुपया दे दें, चाहिए। क्यों, क्या करना है तुमने? मैंने देना है ना किसी को, प्लीज दे दें, पूरा महीना नहीं मांगूंगी, पक्का, प्रॉमिस। कहाँ है वो आपका पर्स, उसमें होते हैं ना? मैं देती हूँ ना। ये ले, ये ले, ये ले। इसके बाद अगर तुमने मांगा ना मुझसे कुछ भी, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी। बिल्कुल नहीं मांगूंगी। थैंक यू, चाय पियेंगी? लेकर आओ। ले आओ। रुशना, रुशना कहाँ हो? अभी भी तैयार नहीं हुई होगी एज यूजुअल। रुशना, रुशना घर पे नहीं है, मामा के साथ बाहर गई है, बस आते ही होगी। ठीक है फिर मैं चली जाती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन देखें जाने से पहले प्लीज मेरी एक बात सुने, मुझे एक जरूरी बात करनी थी आपसे, अगर आपको बुरा ना लगे। क्या बात करनी और क्यों बात करनी? देखें मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ उसके लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ लेंगे? घर पे कोई नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे। नहीं रिदा, आई स्वेयर टू गॉड, स्टॉप इट। ओके, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। दिस वॉज टू मच रिदा, प्लीज। हेलो हेलो फाहम भाई, भाई आप किधर हैं? आ जाए मुझे लेने के लिए वापस। फिदा मैं, क्या कर दिया मैंने? ज़िशान ये दानियल है। अस्सलाम वालेकुम ज़िशान। और वो उमेर है। अस्सलाम वालेकुम। और ये अब्बास है हमारे अकाउंट से बात किया। अस्सलाम वालेकुम जी। और आपको कोई भी परेशानी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, वो मेरा सामने ऑफिस है, बिला झिझक आ जाइएगा, बस टाइम का ख्याल रखिएगा। वक्त का ख्याल मतलब? वक्त पे आना बहुत ज़रूरी है, और जो काम सर दें वो वक्त पे कीजिएगा, वरना सर नौकरी से निकाल देते हैं। जी मैं पूरी कोशिश करूँगा, आपको शिकायत ना। पार्टी मेकअप के 1000 रुपये लो ना पहले तुम मुझसे, ये मैं आऊंगी तो फिर तुम्हें दे दूंगी। अरे नायला भाभी आप आए बैठे, आपने कुछ करवाने? मैं आईब्रोज बनवाने आई थी, लेकिन लगता है तुम कुछ ज्यादा ही मसरूफ हो, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे नहीं नहीं आए बैठे ना। अच्छा आयशा, मैं बाद में आऊंगी।
मकसद के लिए आई है ना, हो गया पूरा। सच कहूं तो ये जॉब करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा, पर क्या करूं, और कोई चारा भी तो नहीं। माँ जी का ख्याल कैसे रखूंगा, कोई और जॉब भी तो नहीं मिल रही। सर बॉस ने कहा है ये फाइल कल तक मुकम्मल कर दे। ठीक है। अम्मी इस घर में मेरी जासूसियां होंगी। अब क्या हो गया? पूछिए इनसे, पूछिए क्या करने आई थी आयशा के घर मेरे पीछे। मैं सिर्फ ये देखने गई थी कि पेंशन के पैसे आखिर खत्म कहाँ हो जाते। भाई हजारों रुपयों की क्रीम मुंह पे लगाती है तो खत्म नहीं होंगे पैसे, तो और कहाँ जाएंगे। शर्म करो शमीला, एक तो घर के अखराजात पूरे नहीं होते और तुम फजूल खर्चों पर पैसे उड़ा देती हो। अरे बेटा आज ही तो मैंने इसको 1000 रुपए दिया था। अम्मी बस करें, आप तो इसकी करतूतों पे पर्दा मत डालें। कौन सी करतूतें? आप जो अपनी बीवी की जी हजूरी करते हैं वो आपको नजर नहीं आता? मैं जो पैसा खर्च करती हूँ ना अपने बाप की पेंशन का करती हूँ, आपका एक पैसा भी हराम है मेरे पे, और अल्लाह मुझे नसीब भी ना करे। शमीला अरे अपनी हद से आगे मत बढ़ो। सलमान बहन है तुम्हारी, बाप के बाद बेटियों और बहनों का हक होता है भाइयों पर, कुछ समझो तुम। चाची जान अगर आप शमीला को भी ये फराइज याद दिला दें तो बहुत अच्छा होगा। मैं तो सबको समझाती हूँ अगर किसी की समझ में आए तो। घर आया था आराम करने के लिए, सर में दर्द था, पर घर तो हर वक्त अखाड़ा ही बना रहता है। अरे हद है बस। देखो एक तो तुम भी ना बस हर वक्त बस मैं ही गलत हूँ। खराब करके रख दिया तुम लोगों ने तो मेरा। मेरी नीयत गलत नहीं थी, रिदा ना जाने क्यों गलत समझ बैठी। शायद मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि हर वक्त की चिक चिक लड़ाई झगड़े से ना मैं तंग आ गई हूँ। शमीला ने जिंदगी अजाब करके रख दिया हमारी। हाँ मैं जानता हूँ, तो बस इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकती। तुम कहीं नहीं जाओगी, अगर जाएगी तो शमीला जाएगी। परेशान मत, मैं अम्मी से बात करता हूँ, शमीला की शादी हो जाए, एक बार वो इस घर से चली जाए तो तुम्हें सुकून ही सुकून। रिदा की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं क्या बात करनी होगी इसने, पूछती हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ है, गुमसुम क्यों बैठे हुए हो? समय कमिन, कमिन प्लीज। मीट मिस्टर हातिम, इन्होंने हमारे ऑफिस को अभी ज्वाइन किया है। वालेकुम अस्सलाम। और ये हैं जिशान, इन्होंने भी कल ही हमारा ऑफिस ज्वाइन किया है। मैं आप दोनों को एक नया प्रोजेक्ट दूंगा, आप दोनों मिलकर उस पर काम कीजिएगा, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको गाइड करूंगा। जिशान हातिम साहब को इनका ऑफिस दिखाइए और बाकी स्टाफ मेंबर से भी इनको मिलवा दीजिए। जी सर, सर ये फाइल आपने कही थी। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके प्लीज। आए हाय क्या करने लगी हो तुम, गुस्सा थूक दो ना तुम। अम्मा आपका भी ना मेलो ड्रामा फौरन शुरू हो जाता है। खड़ी हुई थी, खुदकुशी नहीं कर रही थी, फजूल बातें करा लो जितनी करानी है।
किस लहजे में तुम बात कर रही हो अपनी माँ से? मुंह फट और बदतमीज जो हूँ मैं? अरे बदल लो खुद को। क्यों बदलूं मैं खुद को? सब बदलती अपनी आदतें जो मैं बदलूं। अम्मा मैं बता रही हूँ, आप बस खाला से बात करें, मेरी शादी करवाएं, मुझे नहीं पता। अरे कितनी बेशर्म हो तुम, अपनी शादी की बात अपने मुँह से बोल रही हो, जो दिल में आता है बोले चली जाती हो। हाँ क्यों ना बोलूं, मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है इस घर में, आप वो नहीं देख रहे? वहाँ चली जाऊंगी तो ये जलालत तो नहीं होगी ना? बस आप बात करें, मुझे नहीं पता। अभी हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है, मैं तुम्हारी शादी अभी नहीं करवा सकती। आप लोगों के हालात तो कभी अच्छे नहीं होंगे अम्मी। क्या आप इस मौजे का इंतजार कर रही हैं या अपने बेटे से कोई उम्मीद बांध कर बैठी नहीं है? देखें अम्मा मेरी बात सुने, आप 10 सालों बाद भी ना आप लोगों के यही हालात रहने हैं, बाद में तो कंगलों की तरह रुखसत करने, अभी कर दे। अरे अरे अपनी जबान को लगाम दो, ससुराल जाके ऐसी उल्टी सीधी बकवास मत करना तुम। तब की तब देखी जाएगी, आप बस खाला से बात करें। पहले मैं सलमान से तो बात कर लूं। हाँ उन दोनों मियां बीबी के दिल में तो लड्डू फूटेंगे ये खबर सुन के, वो तो चाहती है मैं इस घर से निकल जाऊं। शमीला छोड़ दो ये बदगुमानी है, अरे हर वक्त उल्टा पुल्टा मत सोचा करो बेटा, अपना भी दिमाग खराब करती हो और मेरा। ये है आप, सारी दुनिया मेरी माँ के लिए सही है लेकिन उसकी अपनी बेटी उनके लिए गलत है। अम्मा बदलूंगी नहीं मैं अपने आप को, मैं बता रही हूँ आपको, ऐसे ही रहूंगी। चलो अब। हेलो हेलो रिदा, कैसी हो? और तू मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी? यार आई एम सॉरी, मामा के साथ शॉपिंग के लिए गई थी इसलिए मुझे पता नहीं चला, अभी जैसे ही घर आई हूँ तो तुम्हारी कॉल्स देखी। हाँ मैं वो तुमसे फेयरवेल के बारे में डिस्कस करना चाह रही थी। तो तुम अभी घर आ जाओ ना। घर आ जाऊँ? हाँ आ जाओ। क्या मतलब है, तुम्हारे भाई ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं घर आई थी? भाई ने? नहीं मुझे तो कुछ नहीं बताया।